हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं नोएडा के शिवालिक मेडिकल सेंटर में पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से MBBS और MD पीडियाट्रिक्स की। आज हम ये डिस्कस करें कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, जिससे कि बच्चों का कम्प्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग आज के वक्त कहते हैं कि हमें इंश्योर करना चाहिए बच्चे की डेली एक रूटीन जो है वो प्रॉपर सेट रहे, उसकी नींद का समय वो पूरा रेगुलर रहे। बच्चे को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद डेली रेगुलर गुड स्लीप ले अनडिस्टर्ब। क्योंकि आजकल देखा गया कि अक्सर बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि अपनी स्लीप को कम शॉर्ट करते हैं, फिर दिन भर स्लीप ही रहते हैं, अपने स्कूल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी सोशल एक्टिविटी। इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा ये है कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल पे या लैपटॉप पे या किसी और स्क्रीन पे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम रेगुलेट करके उसको फिक्स करें। क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद से बच्चों का ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, परंतु हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक फिक्स टाइम 45 मिनट्स 1 आवर से ज़्यादा हम डेली स्क्रीन टाइम पर ना अलाउ करें। क्योंकि इससे ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों की हेल्थ के लिए और उनके आईसाइट के लिए, उनके मेंटल वेलबींग के लिए। तीसरी चीज़ हमें जो इंश्योर करनी पड़ेगी वो ये इंश्योर करनी पड़ेगी कि उनका जो हेल्थ से रिलेटेड सोशल इंटरेक्शन है दूसरे अपने सोशल ग्रुप्स हैं, जो अपने एज ग्रुप के बच्चों हैं, उनके साथ वो एडिक्वेट टाइम स्पेंड करें, वो खेलें, बात करें रेगुलरली, अपनी एज ग्रुप के बच्चों से इंटरेक्ट करें। क्योंकि धीरे धीरे एक इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड बनता जा रहा है, बच्चों को सोशल इंटरेक्ट करना, दोस्त बनाना, लोगों से बात करने की एक स्किल जो है वो छूटती चली जा रही है। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे के एक पीयर ग्रुप हो जो अपनी एज ग्रुप का हो, अप्रोप्रिएट हो, जो उसको मिसगाइड ना करे, और उसके साथ वो एक एडिक्वेट टाइम डेली की डेली स्पेंड करें, जिससे कि उसके सोशल स्किल्स डेवलप। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा और ये है कि उसको डेली की डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक फिजिकल एक्सरसाइज, स्पेशली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि सोशल एक्सरसाइज ऐसी हो, फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें कि वो गेम हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल, जो भी एक्टिविटी रिलेटेड गेम्स हैं जो ओपन में जाके, ओपन एयर में जाके वो खेले, और इससे उसकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी, उसकी डाइट इम्प्रूव करेगी। आजकल कई बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखी जा रही है, सांस लेने लगती है, ये सारी समस्याओं को डील करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर जो हम लोग हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस बच्चे के लिए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आजकल बच्चे अक्सर स्विगी और और जोमेटो वगैरह से फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। रात के 2-3 बजे तक, 4-4 बजे तक ये फूड अवेलेबल है। हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे एक फिक्स्ड रेगुलर हेल्दी डाइट लें। यदि इस तरीके की डाइट हो, देखिए बच्चे हैं, मन करता है तो हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा इस तरीके की जंक फूड या जो सो कॉल्ड जंक फूड या हेल्दी डाइट है उसको ना लिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। हमें इंश्योर किया जाए कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट मिले जिसमें आयरन की, कैल्शियम की, सारे विटामिन और प्रोटीन्स की कंप्लीट एडिक्वेट क्वांटिटी रहे। फाइनली सबसे ज़रूरी है कि आजकल बच्चे की मेंटल वेलबींग मेंटेन करने के लिए बच्चे के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, उसके साथ डेली हम पेरेंट्स कम्युनिकेट करें एज अ फ्रेंड, इंश्योर करें, पता करें कि बच्चा हमसे ओपन करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में फील कर रहा है उनको हमारे साथ शेयर करें, और हम उसके लिए एक अप्रोप्रिएट नॉन जजमेंटल वे में, मतलब बगैर उसको जज किए, उसके लिए उसकी किसी भी एक्टिविटी को ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज करने के बजाय उसको एक हेल्पफुल तरीके से सही दिशा में गाइड करने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने डे टू डे लाइफ को एक प्रॉपर तरीके से जी पाए, एक अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन कर पाए। थैंक यू।